वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कड़ी में कुछ नया करने के लिए एक अलग श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। राजस्थान का जिला दर्शन नाम से जो श्रृंखला है, उसके अंतर्गत सभी जिलों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और इस श्रृंखला की ये पहली क्लास अपन लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले वीर प्रसूता धरती राजस्थान के गौरव भाल के ऊपर मुकुट के समान परिदृश्य में खड़ा गंगानगर जिले से स्टार्ट करते हैं और जो कि मेरा गृह जिला भी है। तो गंगानगर जिले के को सबसे पहले लगते हैं, क्योंकि कोई भी मानचित्र का अध्ययन किया जाता है तो उत्तर से उत्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत सबसे पहले गंगानगर जिले को शामिल करते हैं और गंगानगर जिले के बारे में क्या क्या विशेषताएं निकल के आती है उसके बारे में चर्चा करते हुए बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और बात करते हैं गंगानगर जिले की। श्री गंगानगर, तो गंगानगर की अगर बात करते हैं तो गंगानगर जिला है वो संभाग व्यवस्था जिस समय बनी उसी समय से गंगानगर जिले का निर्माण हुआ, ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी संभागीय व्यवस्था जिस दिन से स्टार्ट हुई, सबसे पहले 5 संभाग बने थे, तो 30 मार्च निर्माण, अगर निर्माण की बात करें तो गंगानगर जिले का निर्माण 30 मार्च 1949 का इसका निर्माण हुआ और इसी समय अपने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो बीकानेर संभाग का निर्माण भी कब हुआ? बीकानेर संभाग ये भी कब बना? 30 मार्च 1949 को 5 संभाग बनाए गए, उसमें 30 मार्च 1949 को बीकानेर संभाग भी शामिल था, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बीकानेर संभाग की अगर बात करते हैं तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चौथा चूरू। तो सबसे पहले गंगानगर जिला 30 मार्च 1949 को बना। बीकानेर जिला और चूरू जिला तो वैसे के वैसे रही, गंगानगर जिले से ही हनुमानगढ़ जिला बना। गंगानगर से कौन सा जिला बना? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का निर्माण भी किससे हुआ है? गंगानगर पहले 30 मार्च 1949 से लेकर के और हनुमानगढ़ जिला जिस समय तक बना तब तक क्या है कि ये एक ही था, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला एक ही था, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिला कब बना? 1997 में बना, 12 जुलाई 1997 को। तो हनुमानगढ़ जिला गंगानगर जिला से कब बना? 12 जुलाई। गंगानगर जिला का क्षेत्रफल बहुत अधिक था और गंगानगर से ही हनुमानगढ़ 12 जुलाई में रखना है। बीकानेर संभाग का जिला है, निर्माण इस जिले का निर्माण 30 मार्च 1949 का हुआ। बीकानेर संभाग का निर्माण भी 30 मार्च 1949 को हुआ, 5 संभाग उसी समय बनाए गए और इसमें 3 जिले ही शामिल किए गए थे, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। और बाद में इसमें और अब बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले शामिल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अब इसके अंतर्गत बात आती है भी गंगानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है। अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल कितना है? तो 978 किलोमीटर स्क्वायर है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि गंगानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 10,978 किलोमीटर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और गंगानगर जिले के अंतर्गत कितने उपखंड है? अगर उपखंड की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बात करते हैं तो उपखंड होते हैं, उपखंड इसमें सब डिविजनल डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM बैठता है। तो गंगानगर जिले के अंतर्गत 9 उपखंड है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और गंगानगर जिले के अंदर तहसीलें कितनी है? गंगानगर जिले के अंतर्गत 9 ही तहसील है, ये अपने को ध्यान में रखना है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। और पंचायती राज का ढांचा सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हो गया और पंचायती राज का ढांचा सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने पास पंचायत समिति की संख्या कितनी है?
पंचायत समिति जिसका मुख्य प्रधान होता है, इसकी संख्या भी कितनी है गंगानगर में? 9 है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल कितना है, 10,978 किलोमीटर स्क्वायर है। उपखंड कितने हैं? 9 है। तहसील कितनी है? 9 है। पंचायत समिति कितनी है? 9 है। अब ये बातें क्लियर होने के बाद में अगर बात करते हैं तो गंगानगर जिले की भौतिक रूपरेखा के बारे में बात करते हैं भूगोल की दृष्टि से, तो ये राजस्थान में सबसे ऊपरी वाला जो छोर है ये कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, पूरे राजस्थान का उत्तरी छोर भी किस जिले के अंतर्गत है? गंगानगर के अंतर्गत है। और वो उस छोर का नाम क्या है? कोणा गांव, कोणा गांव। और इसकी तहसील गंगानगर लगती है, गंगानगर साथ में तहसील भी है, गंगानगर जिला भी है और गंगानगर तहसील भी है। तो तहसील गंगानगर लगती है और जिला कौन सा लगता है? गंगानगर लगता है। तो राजस्थान का उत्तरी छोर है वो कौन सा है? कोणा गांव है, गंगानगर तहसील के अंतर्गत है। और इसको अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के अंतर्गत ले तो 30 डिग्री 12 से है ये, 30 डिग्री 12 मिनट से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये रेखा कहां से गुजरती है? ये सबसे सुदूर ऊपर में है, उत्तरतम, इसको अपन कह सकते हैं सुदूर उत्तरतम। सुदूर उत्तरतम कौन सा हो गया? कोणा गांव हो गया। जिला कौन सा हो गया पूरे राजस्थान के अंतर्गत? गंगानगर हो गया। अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब गंगानगर जिले की सीमा किससे लगती है, ये तो बात हो गई यहां तक। अब गंगानगर जिले की दो तो जिलों से सीमा लगती है। गंगानगर जिले की सीमा की बात करें तो ऐसे मतलब कौन से जिले जिससे गंगानगर की सीमा लगती है? एक तो बीकानेर की लगती है, ये वाला जो जिला है यहां पर, एक तो हो जाएगा बीकानेर और दूसरा जिला हो जाएगा अपने पास हनुमानगढ़। और ये जो नीचे वाला जिला है यहां पर, ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि गंगानगर जिले को अगर भौतिक रूपरेखा के बारे में बात करें तो ये बीकानेर हो जाएगा और ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि गंगानगर जिले से कितने जिलों की सीमा लगती है? केवल दो ही जिलों की सीमा लगती है, एक बीकानेर की लगती है और एक हनुमानगढ़ की लगती है। बाकी जो ये सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये वाली जो सीमा लगती है वो पंजाब से लगती है। ये अपने को ध्यान में, ये भौतिक रूपरेखा एकदम स्पष्ट निकल के आ गई कि जिले की अगर बात करें तो गंगानगर जिले से सिर्फ राजस्थान के दो ही जिलों की सीमा लगती है, एक बीकानेर की लगती है और एक हनुमानगढ़ की लगती है। और सीमा की बात करें तो एक तरफ कौन सा है, यानी कि गंगानगर के उत्तर और पश्चिम के अंतर्गत अपने पास कौन सा है? पाकिस्तान है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, रेड क्लिफ है। और इसके अंतर्गत बात करें उत्तर और पूर्व की ओर कौन सा स्टेट लगता है? पंजाब लगता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि उत्तर और पूर्व की तरफ है पंजाब लगता है। अब इसी सीमा के अंतर्गत और बात करते हैं कि भौतिक रूपरेखा सबसे पहले समझते हैं तो दो जिले गंगानगर से कौन कौन से जिले हो गए? बीकानेर और हनुमानगढ़ हो गए। अब बात करते हैं कि पंजाब का कौन से जिले लगते हैं? पंजाब से सीमा किसकी लगती है? गंगानगर की लगती है। पूरे पंजाब से राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है? पंजाब राजस्थान सीमा, वो 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर है। और पंजाब की सीमा राजस्थान के दो जिलों से लगती है। राजस्थान के तो दो जिले हैं, एक गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़ है। तो राजस्थान की पंजाब से सबसे ज्यादा जो सीमा किसकी लगती है? गंगानगर से लगती है। तो हाईएस्ट सीमा किसकी होगी? गंगानगर की है। और पंजाब से सबसे कम सीमा किसकी होगी? हनुमानगढ़ की होगी। अब अगर बात करते हैं तो पंजाब की तरफ से भी दो जिले लगते हैं, एक फाजिलका लगता है और एक मुक्तसर लगता है। एक जिला कौन सा लगता है? फाजिलका, और दूसरा जिला लगता है मुक्तसर, मुक्तसर जिला लगता है।
तो फाजिलका जिले की सीमा राजस्थान से सबसे अधिक लगती है और मुक्सर जिले की सीमा कम लगती है, ये भी दोनों फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में और ये सीमा कहां से स्टार्ट होती है, हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है, हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट से पंजाब की सीमा भी स्टार्ट होती है राजस्थान से और पाकिस्तान की सीमा भी प्रारंभ होती है। कहां से स्टार्ट होती है, हिंदुमल कोट से होती है और पंजाब से राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर लगती है, जिसमें गंगानगर जिला और दो हनुमानगढ़ जिले, दो जिले आते हैं जिसमें गंगानगर जिले की सबसे ज्यादा पंजाब की सीमा लगती है और पाकिस्तान उस पंजाब की तरफ से फाजिलका और मुक्सर आते हैं जिसके अंतर्गत फाजिलका की सबसे लंबी सीमा लगती है और मुक्सर की सबसे छोटी सीमा लगती है। राजस्थान में गंगानगर की सबसे बड़ी और हनुमानगढ़ की छोटी सीमा लगती है। यहां तक आगे पंजाब है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने पास बच गई इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं गंगानगर जिले से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्या कहलाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर ये क्या कहलाती है, रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, रेडक्लिफ रेखा, कौन सी रेखा कहलाती है, रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो पाकिस्तान से जो सीमा भारत की लगती है वो रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। क्यों क्यों कहलाती है, कि इसको सिरिन रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था, ये अंग्रेज थे, इन्होंने इस सीमा को निर्धारित किया था और कब किया था ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 17 अगस्त 1947 को ये सीमा बनाई गई, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु रेडक्लिफ रेखा कब बनाई गई, 17 अगस्त 1947 को बनाई गई। किसने बनाई, रेडक्लिफ ने बनवाई थी, सिरिन रेडक्लिफ ने इस रेखा को निर्धारित किया था। तो अगर राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं तो ये रेडक्लिफ रेखा कितने जिलों में लगती है, राजस्थान और पाक सीमा अपन कह सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में कौन सा जिला आता है, गंगानगर आता है, अगर इस साइड से स्टार्ट करें उत्तर की तरफ से, क्योंकि नक्शे के हिसाब से उत्तर की तरफ से पढ़ा जाता है, और दूसरा जिला आता है अपने पास बीकानेर, तीसरा जिला आता है जैसलमेर और चौथा जिला आता है बाड़मेर। तो राजस्थान में 4 जिलों की सीमा लगती है। अपना अध्ययन का विषय गंगानगर ही है, परंतु थोड़ा सा इसको समझने के लिए भी रेडक्लिफ रेखा कहां तक जाती है, तब गंगानगर बीकानेर और जैसलमेर चारों की बात कर लेते हैं। तो गंगानगर से इसकी सीमा कितनी लगती है, 210 किलोमीटर लगती है, 210 किलोमीटर गंगानगर से इसकी सीमा लगती है। बीकानेर से 168 लगती है, बीकानेर से 168 किलोमीटर लगती है। जैसलमेर से सबसे ज्यादा लगती है 464 किलोमीटर, जैसलमेर से 464 किलोमीटर जैसलमेर से लगती है और 228 किलोमीटर बाड़मेर से लगती है, 228 किलोमीटर इसकी सीमा बाड़मेर से लगती है। तो हाईएस्ट किससे लगती है, अगर राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर की लगती है और सबसे कम किसकी लगती है, बीकानेर की लगती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान की तरफ से दो प्रांत लगते हैं, एक तो पंजाब पाकिस्तान, जो गंगानगर से लगता है वो प्रांत कौन सा है, अगर प्रांत की बात करें तो पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान, इस तरफ जो गंगानगर की सीमा पर लगता है वो कौन सा है, पंजाब पाकिस्तान है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और पंजाब पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर से लगता है, अगर इसकी बात करें तो बहावल नगर, अगर पाकिस्तान के अंतर्गत बात करें तो काफी 9 जिले लगते हैं, परंतु जो सबसे बड़ा जिला है वो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा है, बहावल नगर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हाईएस्ट जो राजस्थान से किसकी सीमा लगती है, बहावल नगर की लगती है, और जो गंगानगर जिला है उसकी सारी की सीमा बहावल सब सीमा किससे लगती है, बहावल नगर से ही लगती है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये बहावल नगर से इसकी सीमा लगती है। तो ये लगभग जो ये सीमा वाली बात थी वो कंप्लीट बात हो चुकी है, भी सबसे लास्ट का जो पॉइंट कौन सा है, कोणा गांव है और कितने डिग्री से है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से है, उत्तरी अक्षांश से है, सुदूरतम कोणा है, और कोणा गांव से जो छोर है वो
वो पूरे राजस्थान का उत्तरी छोर है, ये अपने को ध्यान में रखना। और ये कौन से जिले में पड़ता है? गंगानगर जिले में और गंगानगर तहसील में पड़ता है। और गंगानगर से जो ये उत्तरी और पूर्वी सीमा है वो किससे लगती है? पंजाब से लगती है। और पंजाब के दो जिले अपने पास लगते हैं, फाजिलका और मुक्तसर, और गंगानगर की सबसे लंबी सीमा लगती है। और पंजाब वाली सीमा कितनी है? 89 किलोमीटर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और राजस्थान से सिर्फ दो ही जिले लगते हैं, एक हनुमानगढ़ जिला लगता है और एक बीकानेर जिला लगता है। और इस साइड पूरा पूरा पाकिस्तान लगता है, और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत लगता है? पंजाब पाकिस्तान प्रांत लगता है, और उसका बाहवल नगर जिला लगता है, जो कि पूरे राजस्थान के अंतर्गत सबसे लंबा लंबे जिला जो जिसकी सीमा लगती है वो बाहवल नगर है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और गंगानगर की सीमा कितनी लगती है? 210 किलोमीटर लगती है। अब सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की बात करें तो पाक सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय सबसे नजदीक की बात करें तो कौन सा जिला हो जाएगा? श्री गंगानगर। गंगानगर जो जिला मुख्यालय है उससे पाकिस्तान की दूरी 20 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, सबसे नजदीक है। और अगर बात करें तो पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान में सबसे दूरी पर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो धौलपुर हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। और सीमा पर स्थित जिलों में से अगर सबसे दूर जिला मुख्यालय है तो वो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में बीकानेर हो जाएगा। सीमा पर स्थित दो जिले हैं उन पे उन 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 उनमें अगर सबसे दूर जिला मुख्यालय तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये मुख्य मुख्य बातें जो भौतिक रूप से अगर शामिल थी, और उसमें भौतिक रूप में और बातें शामिल कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं ये गंगानगर जिला है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश में किस भाग में आता है? भौतिक प्रदेश में ये आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर भौतिक विभाग की बात करें, राजस्थान के चार भौतिक विभाग है, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। और मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक बालुका स्तूप युक्त और एक बालुका स्तूप मुक्त। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। कौन से पार्ट में आता है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश को फिर चार भागों में बांटा गया है, गग्गर बेसिन। तो ये वाला भाग किसके अंतर्गत आता है? गग्गर बेसिन के अंतर्गत आता है। शेखावटी की उच्च भूमि, गोडवाड़ा प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी की जो भूमि है वो बांगड़ प्रदेश बोलते हैं शेखावटी को, शेखावटी प्रदेश इसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश, चार भागों में इसको बांटा गया है। तो ये गंगानगर जिला है वो किसके अंतर्गत आता है? गग्गर बेसिन के अंतर्गत आता है। अगर भौतिक विभाग के अंतर्गत बात करें तो ये गग्गर बेसिन हो गया, और गग्गर बेसिन किसके अंतर्गत आता है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। और पूरा का पूरा ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से ये किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये भौतिक क्षेत्र से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी बातें थी वो अपन ने शामिल कर ली है। अब अगर बात करते हैं कि गंगानगर जिला कैसे बना, क्यों बना, किसके नाम पर बना, और गंगानगर की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, उसके बारे में अगर बात करते हैं, ये भौतिक प्रदेश का लगभग पूरा गंगानगर का व्यू अपने सामने आ चुका है। अब अगर बात करते हैं तो गंगानगर जिला है वो किसके नाम पर बना? गंगानगर जिला, तो प्राचीन समय में जो गंगानगर जिला है वो किस रियासत के अंतर्गत आता था? बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था, रियासत बीकानेर। अभी जो गंगानगर जिले का जो जितना भी क्षेत्र पड़ता है वो कौन सी रियासत के अधीन था? बीकानेर जिले के अधीन था, और बीकानेर के बादशाह जंगलधर बादशाह कहलाते थे। और बीकानगर के एक बहुत प्रतापी शासक और आधुनिक शासक हुए थे गंगासिंह। तो गंगानगर जिले का नाम है वो गंगासिंह के नाम पर रखा गया है। और गंगानगर की स्थापना भी किसने, निर्माता कौन थे गंगानगर की स्थापना करने वाले कौन थे?
गंगानगर के स्थापना करने वाले, स्थापना करने वाले भी गंगा सिंह थे। तो पहले जिस जगह पर गंगानगर बसा हुआ है उसका प्राचीन पुराना नाम क्या था, गंगानगर से पहले उसका नाम क्या था, रामनगर था। यानी गंगानगर से पहले जो ये जो बसा हुआ है ये नगर क्या कहलाता था, रामनगर कहलाता था। और ये गंगा सिंह के नाम पर ये इस जिले का नाम क्या किया गया है, गंगानगर किया गया है। और गंगा सिंह कौन थे, बीकानेर महाराजा थे। और ये जो गंगानगर जिले का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आता था, बीकानेर रियासत के अधीन आता था। अब एक तो गंगा सिंह के नाम पर ये हो गया, और दूसरी गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर जिले के अंतर्गत एक नाम गंग नहर के भी नाम पर पड़ा, गंगानगर का नाम गंग नहर है, ये भी गंगानगर जिले के अंतर्गत बहती है। और गंग नहर का नाम भी किसके नाम पर रखा गया, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के नाम पर, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के नाम पर, गंगा सिंह के नाम पर। पहले गंग नहर का नाम बीकानेर नहर था, बीकानेर नहर था। बाद में महाराजा गंगा सिंह के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए इस नहर का नाम भी क्या कर दिया गया, गंग नहर कर दिया गया। गंगानगर जिले का नाम भी गंगानगर कर दिया गया। और इस गंग नहर का नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम पर क्यों किया गया, क्योंकि गंगा सिंह है वो भारत के, आधुनिक भारत के भागीरथ कहलाते हैं, आधुनिक भारत के भागीरथ। जिस प्रकार अपने कुल का उद्धार करने के लिए भागीरथ हिमालय से गंगा निकाल कर लाया, उसी तरीके से मरु प्रदेश को आबाद करने के लिए, उसको हरा भरा बनाने के लिए भागीरथ के रूप में अवतार लेते हुए गंगा सिंह जी सतलुज और हिमालय का पानी गंगानगर जिले के अंतर्गत और बीकानेर रियासत के अंतर्गत लेके आए। इसलिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह क्या कहलाते हैं, आधुनिक भारत के भागीरथ कहलाते हैं। और इन्हीं के नाम पर गंग नहर का निर्माण किया गया। और गंगानगर जो गंग नहर है उसको गंगानगर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये गंग नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगानगर जिले का अगर बात आता है और तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो गंग नहर ही है। तो गंग नहर के बारे में अपन पूरा विस्तार से और सही तरीके से पढ़ेंगे भी गंग नहर क्या है। तो गंगा सिंह के नाम पर गंग नहर का निर्माण किया गया, जिसको पहले बीकानेर नहर भी कहते थे। और गंगानगर जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे वो आधुनिक भारत के भागीरथ थे। और गंग नहर को और क्या नाम से पुकारा जाता है, गंगानगर की जीवन रेखा। गंग नहर का एक नाम क्या है, गंगानगर की जीवन रेखा भी कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसका निर्माण कब स्टार्ट किया गया और ये कब बनकर तैयार हुई, तो गंग नहर की अपन बात कर रहे हैं। इसका निर्माण शुरुआत 1922 में हुई, शुरुआत 1922 में, और निर्माण पूरा और 1927 में ये इसका निर्माण पूरा कर लिया गया। तो 1922 से 27 के बीच में इसका निर्माण किया गया, गंग नहर का निर्माण कंप्लीट हो चुका था, ये अपने को ध्यान में रखना है। और गंग नहर वो किससे निकाली गई है, ये इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी से निकाली गई है, सतलज नदी से निकाली गई है। गंग नहर कहां से निकाली गई है, सतलज नदी से निकाली गई है। और कहां से, कौन से स्थान से निकाली गई है, हुसैनवाड़ा, हुसैनवाड़ा स्थान से निकाली गई है। और ये हुसैनवाड़ा स्थान कहां पर पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हुसैनवाड़ा स्थान से निकल करके इस प्रकार से अगर नक्शे के अंतर्गत बात करें तो यहां हुसैनवाड़ा से निकल करके पहले गंगानगर में बहती है, पहले ये पंजाब में बहती है। तो इसकी लंबाई पंजाब में कितनी हो जाएगी, पंजाब में इसकी लंबाई है वो 100 और अपने पास 12 किलोमीटर हो जाएगी, 112 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। पंजाब में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 112 किलोमीटर हो जाएगी। गंगानगर अब ये पंजाब में 112 किलोमीटर बहने के बाद में राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये खक्कन गांव शिवपुर गंगानगर में प्रवेश करती है, खक्कन गांव,
खक्कन गांव, शिवपुर, तहसील गंगानगर प्रवेश करती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और खक्कन गांव में प्रवेश करने के बाद ये गंगानगर में कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर। तो ये जो नहर है ये कहां से निकलती है इसके बारे में, ये खक्कन गांव से प्रवेश करती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान यानी गंगानगर जिले में इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। आगे अगर इसकी बात करें तो यहां से ये कहां पर जाती है? यहां से ये जोरावरपुरा जाती है, फिर कहां पर जाती है? जोरावरपुरा, फिर जाती है ये जोरावरपुरा जाती है। जोरावरपुरा से ये नहर कहां पर जाती है? पदमपुर, पदमपुर जाती है। और पदमपुर से ये नहर फिर आगे कहां पर जाती है? पदमपुर से ये रायसी नगर जाती है, पदमपुर से रायसी नगर, रायसी नगर जाती है। और रायसी नगर से फिर स्वरूपसर और स्वरूपसर से ये अनूपगढ़ तक जाती है। तो कुल मिला के ये काफी लंबाई पर है। अगर इसकी वितरिकाओं की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चार वितरिकाएं हैं, या फिर चार शाखा की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस गंग नहर के अंतर्गत शाखा की बात करते हैं, शाखा गंग नहर, गंग नहर की शाखा चार शाखा है। तो गंग नहर की कितनी शाखा है? चार शाखा है। सबसे करणी शाखा एक है, करणी शाखा, करणी शाखा। दूसरी है लक्ष्मी नारायण शाखा, दूसरी है लक्ष्मी नारायण शाखा। और तीसरी है लालगढ़ शाखा, और चौथी है समीजा शाखा। तो इसमें शाखा कितनी है, यानी गंग नहर के अंतर्गत कितनी शाखा है? चार शाखा है। तो करणी शाखा है, लक्ष्मी नारायण शाखा है, लालगढ़ शाखा है और समीजा शाखा है। इस गंग नहर की शुरुआत 1922 और 27 में हुई। कहां से हुई? हुसैनवाड़ा पंजाब से हुई। कौन सी नदी से हुई? सतलज नदी से हुई। पंजाब में 112 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में 17 किलोमीटर बहती है। और टोटल लंबाई, इसकी लंबाई कुल कितनी होगी? कुल 129 किलोमीटर हो गई, जिसके अंतर्गत पंजाब में 112 और हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत 17 किलोमीटर गंगानगर जिले में। राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है? खक्कन गांव, शिवपुर, तहसील गंगानगर के अंदर प्रवेश करती है। फिर वहां से जोरावरपुरा, पदमपुर, रायसी नगर, स्वरूपसर होते हुए अनूपगढ़ तक ये जाती है। और इनकी चार शाखा है, करणी शाखा, लक्ष्मीनारायण शाखा, लालगढ़ शाखा और समीजा शाखा। तो कुल मिला के वितरिकाओं की लंबाई कितनी होगी? अपने पास कितनी है? 129 किलोमीटर है। और उसके बाद में अपने पास इसकी शाखा कितनी है? गंगा नहर की करणी शाखा, लक्ष्मीनारायण शाखा, लालगढ़ शाखा और समीजा शाखा। और कुल मिला के जो कुल वितरिकाओं सहित टोटल लंबाई है इसकी, वितरिकाओं वितरिकाओं की कुल लंबाई, टोटल है इसकी जो, उसकी लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर है। पूरी वितरिकाओं सहित और नहर की लंबाई मिलाकर के वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें सिंचाई कितनी होती है? इस नहर से कितनी सिंचाई होती है? सिंचाई की अगर बात करें तो 3.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। और अगर सिंचाई के अंतर्गत नहरों द्वारा सिंचाई की अगर बात करें तो सबसे पहला स्थान कौन से जिले का है? नहरों द्वारा सिंचाई में प्रथम जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर की जाती है? गंगानगर जिले के अंतर्गत की जाती है। और सिंचाई से, इस गंग नहर से कितना लाभ मिलता है? 3.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी सिंचाई होती है। और इसका जो सतलुज नदी का जल बंटवारा हुआ था, इसके तहत इसमें कितना पानी कितना मिलता है, जल कितना मिलता है? अगर जल की बात करें तो गंग नहर को कितना जल मिलता है? 1.44 MAF पानी मिलता है, एम ए
एफ, एमएएफ का मतलब हो गया मिलियन एकड़ फिट। तो राजस्थान को इससे इसमें जल कितना मिलता है, गंगा नहर से 1.44 मिलियन एकड़ फुट जट है अपने को आवंटित हुआ है और इतना जल मिलता है। आगे अगर बात करें तो इसको पुनर्निर्माण करने के लिए भी, ये चुनने से बनी हुई नहर थी अगर हकीकत में देखे तो, और भी इसमें फैक्ट में फैक्ट की बात करें तो ये सबसे पहले विश्व की सबसे पहली पक्की नहर थी, विश्व की सबसे पहली पक्की नहर गंगा नहर। यानी विश्व में सबसे पहले अगर पक्की नहर कहीं पर बनी थी तो कौन सी बनी थी, यही बनी थी गंगा नहर। इसका निर्माण चुनने से किया गया था और बाद में इसको क्या है कि सीमेंट से इसका पुनर्निर्माण के लिए किया गया। तो इसका इसका आधुनिकीकरण कह सकते हैं या पुनर्निर्माण गंगा नहर का आधुनिकीकरण, इसका आधुनिकीकरण किसने किया था, ये केंद्रीय जल आयोग ने किया था। कब, किसने किया था, केंद्रीय जल आयोग ने, और कब किया था, 2000 में शुरू किया था और 2008 में कंप्लीट कर दिया था। ये अपने को ध्यान में और रखना है, ये विश्व की सबसे पहली पक्की नहर है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और गंगा नहर का आधुनिकीकरण केंद्रीय जल आयोग ने 2000 से 2008 के अंतर्गत कंप्लीट कर दिया था, 2000 से शुरू किया और 2008 में ये समाप्त कर दिया गया था और इसका आधुनिकीकरण हो चुका है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जल से संबंधित और भी तथ्य जोड़ लेते हैं कि और गंगानगर जिले के अंतर्गत नहरों द्वारा सबसे पहला स्थान क्यों है, क्योंकि एक तो गंगा नहर से 3.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होती है और एक इंदिरा गांधी नहर कनाल प्रोजेक्ट है IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। तो IGNP जो है, इस नहर का भी पानी राजस्थान के अंतर्गत, गंगानगर जिले में दो शाखा है इसके अंतर्गत, IGNP की गंगानगर जिले के अंतर्गत है दो शाखा है, एक तो सूरतगढ़ शाखा है, और दूसरी कौन सी है, अनूपगढ़ शाखा है। तो गंगा नहर से तो सिंचाई होती होती है, IGNP से भी सूरतगढ़ शाखा और जो ये अपनी शाखा है, ये अपने अनूपगढ़ शाखा से क्या होती है, सिंचाई होती है गंगानगर जिले में, इससे भी सिंचाई और सिंचाई होती है। अब क्या है कि कुछ सिंचाई और पेयजल, एक पेयजल परियोजना है IGNPA की कंवर सेन, पेयजल लिफ्ट परियोजना, गंगानगर जिले का जो नीचे का भाग है बीकानेर की तरफ वाला, वो बिल्कुल रेगिस्तानी है और बालू का स्तूप युक्त भी है उसमें। तो ये जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत सूरतगढ़ तहसील का, जिसको अपन टिब्बा बेल्ट कह सकते हैं, और कम से कम 40-50 गांव है वहां पर, जो जो जल की आपूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, कंवर सेन लिफ्ट के द्वारा की जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पेयजल की पूर्ति की जाती है, पेयजल और पूर्ति, और कुछ स्थानों पर सिंचाई भी होती है इससे, सिंचाई भी होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। किससे, कंवर सेन पेयजल लिफ्ट परियोजना से। तो गंगानगर जिले के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे पहले सिंचाई के लिए गंगा नहर हो गई, दूसरी इस IGNPA की सूरतगढ़ शाखा हो गई और अनूपगढ़ शाखा हो गई, और कंवर सेन पेयजल लिफ्ट परियोजना से पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। तो ये गंगानगर जिले के बारे में आज इतना ही महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है, जैसे सूरतगढ़ थर्मल पावर है और भी इसका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में अपन अगली वीडियो के लिए वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।